हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ सिटी स्काईलाइंस। तो गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में ना काफी सारे काम किए थे, जैसे कि हमने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया था, कमर्शियल एरिया बनाया था, रेसिडेंशियल एरिया बनाया था, और यार हमने ना यहाँ पर कुछ स्कूल्स वगैरह भी बनाए थे। और हाँ, याद आया मेरे को, स्कूल से मैंने यहाँ पे थोड़े से पार्क भी बनाए थे। तो गाइस, फटाफट से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रेसिडेंशियल एरिया हम और बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो रेसिडेंशियल एरिया है ना वो ऑलरेडी भर चुका है, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया भी वो ऑलरेडी भर चुका है। तो थोड़ा थोड़ा करके ना इसको फटाफट से एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं जो जो हमारे पे नई चीजें अनलॉक हुई है ना उनको भी फटाफट से इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। तो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो मैं सोच रहा हूँ पहले ना यार, मेरे को थोड़ी सी रोड वगैरह जो सही करनी चाहिए। आई थिंक ये जो रोड्स है वो सिंगल लेन है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे क्यों ना हम फोर लेन रोड लगा दें। बट यार एक्चुअली मेरे पे क्या फोर लेन रोड अवेलेबल है अभी के लिए? ओके, फोर लेन अवेलेबल तो है, बट क्या मैं यहाँ पर बना पाऊंगा? लेट्स सी कि अगर हम यहाँ से इसको बना पाएं। मुझे लग तो नहीं रहा है, क्योंकि यार अगर मैं यहाँ पे फोर लेन रोड बना भी दूंगा ना, तब भी मेरे को एक इशू होगा कि मेरे को ये सारी रोड्स तोड़नी पड़ेगी, और जो उधर वाली रोड है मेरे को वो भी साथ में तोड़नी पड़ेगी। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए हम इस वाली रोड को मैं सोच रहा हूँ बना के देखते हैं। अगर ये ठीक लगा तो इसको रखेंगे, अदरवाइज इसको हटा देंगे। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे गाइस एक फोर लेन रोड बना दी है, और यार ये अभी ही इतना गंदा लग रहा है ना, मेरे को थोड़ा सा बेकार लग रहा है। और क्योंकि अगर मैं ये वाली रोड तोड़ूंगा ना तो मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे को पास से थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो गाइस एक काम करते हैं, ठीक है, इस वाली रोड को ना इसको यहाँ से नहीं लेते हैं, हम थोड़ा सा घर वगैरह तोड़ लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो रोड है हमारी वो सीधी आ जाएगी। फिलहाल के लिए इसको तोड़ते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ना एक फोर लेन रोड लेकर आते हैं। लेट्स सी, और यार उसमें हमारे कुछ घर टूटेंगे, मेरे को उसका थोड़ा सा अफसोस रहेगा, बट लेट्स सी। बट स्पेस ऑक्यूपाइड आ रहा है, ओके। तो मेरे को पहले ना यार यहाँ से घर तोड़ने पड़ेंगे, तो फटाफट से गेम को करते हैं पॉज। और अच्छा, गेम पॉज ही था, सॉरी, पहले मैं थोड़ा सा गेम को रोकता हूँ। अबे रुक जा। तो फटाफट से गाइस यहाँ पे ना ये वाले जो घर हैं इनको मैं थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, तो फटाफट से इनको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर ना पहले कन्फर्मेशन डिमोलिशन, ओ यार शिट। तो गाइस अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा ना तो जो ये है मेरा ये भी डिमोलिश हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से मूव नहीं कर सकता हूँ क्या? इसको मूव कर सकते हैं हम कहीं पे? इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं, ओके। तो गाइस मैंने इसको वहाँ पे मूव कर दिया फिलहाल के लिए, और नाउ बाकी जो घर है ना यहाँ से उनको तोड़ते हैं। यार मेरे को तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको, अगर मैं तोड़ूंगा नहीं ना तो मैं एक सामने से फोर लेन रोड नहीं ला पाऊंगा, तो मेरे को फोर लेन रोड चाहिए एक्चुअली में। तो फटाफट से इन सबको ना यहाँ से हटा देते हैं। बाकी हम यहाँ पे भी घर वापस बना देंगे, बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक हम फोर लेन रोड जो है बना देते हैं, आई थिंक अब बन जाएगी। तो गाइस अब हमारी जो है ना फोर लेन रोड यहाँ पे बन रही है, और हमारी बिल्कुल सीधी रोड बन गई है यार, देखो, वाओ नाइस। तो अब यहाँ पे हम फटाफट से ना रेसिडेंशियल एरिया भी है जो अपना डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब जितने भी घर टूटे थे वो वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो फटाफट से यहाँ पे जो है ना रेसिडेंशियल एरिया भी लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो है रेसिडेंशियल एरिया भी लगा दिया है। नाउ मेरे को बस एक काम और करना है यहाँ पे, यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरे को ये वाली जो रोड्स हैं इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं, और इसको भी यहाँ से यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। ये भी एक्सटेंड हो जाएगा आई थिंक, हाँ ये भी एक्सटेंड हो रहा है, और इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो है रोड वगैरह भी एक्सटेंड कर दी है। नाउ अब यहाँ पे हमने रेसिडेंशियल एरिया भी है ना जो वो भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो अब हमारे को यहाँ पे ऐसा कोई इशू होने वाला नहीं है मेरे को जो लग रहा है फिलहाल के लिए। अभी मेरे को गाइस ये काम तो मैंने कर दिया है, ठीक है, लेकिन अब मेरे को ना यार पहले थोड़ा सा रेसिडेंशियल एरिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप लोग जो है ना अब बिल्डिंग्स छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि यार लोग तो इतने हैं नहीं, और इस वजह से ना यहाँ पे जो कंपनीज वगैरह वो बंद हो रही है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, अपने थोड़ा रेसिडेंशियल एरिया जो है उसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। बट यार अभी हमारे पे पैसे नहीं होते, तो आई थिंक मेरे को थोड़ा सा पहले गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट से गेम को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और जैसे ही हम पे थोड़े से पैसे होंगे ना तो हम अपना जो रेसिडेंशियल एरिया है उसको थोड़ा सा ना इंक्रीज करेंगे। और वैसे भी यार गाइस देखो यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पर बनाया था ना उससे यहाँ पे देखो यार फटाफट से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और मेरे को अभी यार ये वाली जो रोड है इसको भी यहाँ से यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाली रोड भी है जो मैंने जोड़ दी है, और यहाँ पर भी ना फटाफट से हम जो है रेसिडेंशियल एरिया कर देते हैं। वैसे यहाँ पे जो है कमर्शियल एरिया था, बट मैंने इसको रेसिडेंशियल एरिया बना दिया है फिलहाल के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है गाइस मैंने रेसिडेंशियल एरिया बना दिया है, और इसको मैं कर देता हूँ कमर्शियल यहाँ पे। और हाँ मेरे को एक चीज़ और याद आई, यहाँ पर जो है हमने कमर्शियल कर दिया ना, नहीं यार यहाँ पे कमर्शियल नहीं करना है, कमर्शियल इतने हिस्से में करेंगे, यहाँ पे पूरा कमर्शियल एरिया बनाते हैं, ठीक है, फटाफट से। और ये कम होगा? नहीं यार ये कम नहीं होगा, ठीक है। और इतने एरिया में ये वाली शॉप आई थिंक यहाँ पे खुलने लगी, कोई नहीं, इसको हम बाद में हटा देंगे यहाँ से। फिलहाल के लिए अभी हमारे पे कुछ अर्निंग हो रही है,
थोड़ा थोड़ा करके हमारे को अर्न हो रहा है, तो हम थोड़ा सा ना गेम की स्पीड को कर देते हैं तेज, ताकि थोड़ा सा जो है फास्ट चले हमारा गेम, और जो थोड़ी सी चीज़ें हो रही है ना थोड़े फास्ट तरीके से हों, ताकि यार थोड़ा जल्दी से हमारे पे पैसे आ जाएं, क्योंकि यार मेरे को भी रोड वगैरह बनानी है और भी काफ़ी सारे काम करने हैं ना। और यहाँ पर भी यार अभी थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया थोड़ा सा रह रहा है, इसको भी मैं रेजिडेंशियल एरिया कर देता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे क्या करा जाए। नहीं यार यहाँ पे हम रेजिडेंशियल एरिया नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ना कुछ और कर लेंगे इसकी जगह पे ना। फिलहाल के लिए हमारे पे थोड़ी सी अर्निंग होनी स्टार्ट हो चुकी है हमारे को, तो ये थोड़ा जल्दी से हो जाए तो हम यहाँ पे यार फटाफट से थोड़ा सा अपना इंडस्ट्रियल एरिया है उसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे। तो गाइस जब तक वहाँ पर लाइक हमारे पे पैसे होते हैं ना, तब तक एक काम करता हूँ, जो मैं थोड़ा सा ना एरिया ये वाला है इसको मैं यहाँ पर ना फिलहाल के लिए जो है रेजिडेंशियल अलॉट कर देता हूँ। वैसे भी हमारे को एक टाइम पे तो करना ही था, तो मैंने फिलहाल के लिए जो इतना एरिया है ना उसको रेजिडेंशियल बना दिया है। और गाइस देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा नीड है रेजिडेंशियल एरिया की ना, तो फटाफट से मैं और भी रेजिडेंशियल एरिया बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले ना यार मेरे को यहाँ पर आई थिंक बिजली पानी वगैरह इनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो फटाफट से ना इनको यहाँ पे वाटर सप्लाई में प्रोवाइड करा देता हूँ अभी के लिए। तो गाइस यहाँ पे वाटर सप्लाई तो मैंने प्रोवाइड करा दी है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है, इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे देने की ज़रूरत है नहीं, तो ये ठीक है। फिलहाल के लिए जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़े से पैसे हो जाएँ, तो मैं थोड़ा सा अपना जो रेजिडेंशियल एरिया उसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ, उसके बाद जो है हम इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाएंगे। तो गाइस मेरे पे ना यहाँ पे थोड़े से पैसे हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा ना यहाँ से एक्सटेंड करते हैं और फटाफट से ना इसको यहाँ तक ले जाते हैं, और आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। और यहाँ पर नहीं यार, यहाँ से नहीं, आई थिंक मेरे को यहाँ से रोड लेकर आनी है, और मैं ना इसमें ला करके यहाँ पर जो है रोड को जोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पे ना आई थिंक एक जो है बिल्डिंग टूट रही है वहाँ से, कोई बात नहीं इसको तोड़ते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा और इसको लाइक थोड़े से इसके ना पार्टीशन और कर देते हैं, उस साइड पे नहीं करते हैं, इस साइड से पार्टीशन कर लेंगे, क्योंकि यार वहाँ पे ऑलरेडी शॉप्स वगैरह है तो मेरे को वो तोड़नी पड़ सकती है, तो इसलिए मैं उनको नहीं तोड़ना चाह रहा हूँ फिलहाल के लिए। हम इतने इतने में पार्टीशन बनाते हैं, और मेरे पे धीरे धीरे करके ना यार पैसे भी बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे जो है ना थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया के लिए जगह तो बना दी है ना, अब मेरे को इसमें ही पार्टीशन करने पड़ेंगे, लेकिन स्टिल मेरे पे पैसों की कमी पड़ रही है। तो जस्ट वन मिनट, देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं यहाँ पर इसको एनहेंस कर सकते हैं क्या यहाँ पे। ओके, तो मैं एक यहाँ से यहाँ पे जोड़ सकता हूँ, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ पे, और उसके बाद हम और भी यार यहाँ पे चीज़ें करेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बस रेजिडेंशियल एरिया एक बार बना दूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है इतनी सी जगह तो बन चुकी है, ठीक है, और अभी के लिए मेरे को आई थिंक लगता है यहाँ से एक और रोड यहाँ पे लग जाएगी, और यहाँ से भी मैं एक रोड यहाँ तक लगा सकता हूँ। यस, तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया जो है ना रेजिडेंशियल एरिया के लिए थोड़ी सी जगह बना दी है। फिलहाल के लिए हम फटाफट से ना यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया जो है अलॉट कर देते हैं पूरे में। और यहाँ पे गाइस ऑलमोस्ट मैंने सारा का सारा जो एरिया है वो रेजिडेंशियल एरिया का बना दिया है। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखो यार कितनी जल्दी जल्दी जो है ना लोग आ रहे हैं, ये देखो कितनी जल्दी जल्दी लोग यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं। आई थिंक यहाँ पे ना रेजिडेंशियल एरियाज की ना ज़्यादा नीड है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पे भी थोड़े से पैसे और हो चुके हैं, तो फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ये वाला रोड को बढ़ाते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है, और यहाँ से ना लाइक थोड़ा सा जो है इंडस्ट्रियल एरिया भी हम बना देते हैं। और गाइस यहाँ पे हमारे टाउन में 1800 की ना पॉपुलेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है, और हमारे पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है खुली है, वो ट्रांसपोर्ट भी खुल गया हमारे पे यार इस बार। तो गाइस हमारे पे काफ़ी सारी चीज़ें खुल गई हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर यार मैं रोड बनाने वाला था, तो पहले रोड बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रोड बनाते हैं, और थोड़ा सा अपना जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना उसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं। आई थिंक ओके, तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, और इसको ले जाकर इसमें जोड़ते हैं, और फिलहाल के लिए हम जो थोड़ा अपना इंडस्ट्रियल एरिया है ना उसको एक्सटेंड करते हैं। मेरे को थोड़ा सा नीड है इसको एक्सटेंड करने का यार, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो है गाइस मैंने फिलहाल के लिए जो है अपना एरिया बड़ा कर दिया है, इसको भी ऐसे ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना अपनी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ना थोड़ा सा यहाँ पे इसको इंडस्ट्रियल जोन बनाते हैं, इसको थोड़ा सा अलॉट करते हैं, यहाँ पर भी रह गया है, तो इसको पूरे को मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ना बना देता हूँ। और यहाँ पर यार ये पत्थर वत्थर है इसको भी मैं बनाता हूँ, पत्थर हट जाएगा आई थिंक यहाँ से अपना आप उसके बाद। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो है अपना इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया है, और इस वाले एरिया को भी ना हम इसको भी हम इंडस्ट्रियल एरिया बनाते हैं। तो यहाँ भी जो है मैंने इंडस्ट्रियल एरिया जो अलॉट कर दिया है, लेट्स सी कितनी देर में जो यहाँ पर लोग आते हैं, अभी तो आए नहीं है फिलहाल के लिए, आई थिंक टाइम लगेगा। और मेरे को यहाँ पे और क्या क्या करना पड़ेगा, ओ भाई साहब गाइस यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पर जो है ना लाइक लोगों को तो बुला लिया है, लेकिन यार यहाँ पे ना मैंने आई थिंक वाटर का इनका सप्लाई नहीं पहुँचाया है, तो मेरे को यहाँ पे वाटर का सप्लाई जो इनको पहुँचाना पड़ेगा। तो फटाफट से इनको वाटर का जो सप्लाई देता हूँ मैं, ठीक है, आई थिंक इतने से काम हो जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा आई थिंक ऐसे। तो गाइस यहाँ पे जो है ना मैंने सबको वाटर का सप्लाई तो है जो वो दे दिया है। नाउ अभी मेरे को यहाँ पे देखना है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल उसमें जोन में लोग आ रहे हैं या नहीं,
तो गाइस काफी सारे लोग जो आने लगे हैं, काफी सारे तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग आने लगे हैं, कुछ लोग तो आ चुके हैं और धीरे धीरे करके ना लोग आ रहे हैं। तो और यार गाइस यहाँ देखो हमारा रेसिडेंशियल एरिया, यार कितनी जल्दी जल्दी जो लोग हैं ना यहाँ पर आकर अपना घर वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है फिलहाल के लिए। और अभी मेरे को आई थिंक काफी सारी चीजें जो खुल चुकी हैं यहाँ पर, लेट्स सी हमारे पे क्या क्या खुला है देखते हैं। तो हमारे पे कुछ पार्क वगैरह तो मैं आई थिंक लास्ट टाइम पे खुले ही थे, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम जो पार्क वगैरह है ना उनको एक अलग से ही जगह पे बनाएंगे। तो उसके लिए ना हम एक अलग से जगह क्रिएट करते हैं। तो जो ये 4 लेन रोड है ना मैं इसको सीधा सीधा आगे ले आता हूँ, ठीक है। फटाफट से जो हमारी 4 लेन रोड है उसको हम आगे लाते हैं पहले, ठीक है। आई थिंक यहाँ से आ जाएगी, हाँ। तो इसको हम सीधा ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना यार मेरे को आई थिंक कहीं पे एक इंटरसेक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो और हमारे पे क्या क्या है, लेट्स सी। तो गाइस हमारे पे काफ़ी सारी चीज़ें जो ओपन हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना एक इसको यूज़ करने का, लेट्स सी अगर ये यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन यार ये ना मेरा 4 लेन रोड है तो मेरे को आई थिंक यहाँ पर बड़े वाला लगाना चाहिए। तो गाइस जो ये वाला है ना मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ पर लगाते हैं। तो फिलहाल के लिए गाइस मैंने यहाँ पर ना एक जो है इंटरसेक्शन लगा दिया है, एंड नाउ ये बिल्कुल सिटी के बीच में है। तो यहाँ से जो हमारी सिटी इंटरसेक्ट हो सकती है, तो मैं सोच रहा हूँ जो इतना एरिया बनाऊंगा ना मैं, अब इधर का एरिया मैं उसमें पार्क वगैरह डिसाइड बनाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा करते हैं। इसको ना मेरे को आगे ले जाना पड़ेगा, लेकिन यार ये वाली जो रोड है हमारी वो 4 लेन रोड आ रही है, मेरे को इसको 4 लेन रोड नहीं बनाना था, ठीक है। कोई बात नहीं, ये भी चलेगा फिलहाल के लिए। हम इस वाली रोड को लाकर कहीं पे जोड़ सकते हैं, नहीं यार यहाँ नहीं जोड़ना है मेरे को, कोई बात नहीं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है, और इसको हम यहाँ से यहाँ तक रखते हैं। और इसमें तो फिलहाल के लिए जो है हम जो अपना जो नॉर्मल जोन था ना वही बनाएंगे, और जो हमारा इधर वाला जोन है मतलब इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा जोन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा कितना जोन लूँ, इतना जोन, ठीक है, इतना जोन लेते हैं। और इतने जोन में जो है ना हम यहाँ पे पार्क बनाने वाले हैं, तो इतने जोन में जो हम क्या कर देंगे ना यहाँ पे सिर्फ पार्क बना देंगे। लेकिन उसके लिए भी मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा इंटरसेक्शन वगैरह करना पड़ेगा। तो फटाफट से ना यहाँ पे गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक इंटरसेक्शन वगैरह बनाते हैं, आई थिंक यहाँ से बन जाएगा, यस। तो गाइस यहाँ से जो है ना हमारा ये वाला एरिया बन रहा है। और मैं एक काम यहाँ पे ये करूँगा कि लाइक मैं यहाँ पे ना जानबूझ के पार्क बना रहा हूँ, ताकि इतने से एरिया को ना मैं सिर्फ पार्क के लिए ही छोड़ सकूँ, मतलब इसको ना हम पार्क से ही रिलेटेड कुछ नाम दे देंगे यहाँ पे फिलहाल के लिए। और इसको मैं यहाँ से कहीं पे लाइक बीच से इंटरसेक्ट कर सकता हूँ, तो हाँ। तो गाइस यहाँ पे मैं इसको ना इंटरसेक्ट वगैरह भी कर सकता हूँ, तो बस अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं इसको, ठीक है। और देखते हैं हमारे को अभी और क्या क्या प्रॉब्लम जो यहाँ पर फेस हो रही है। तो यहाँ पे जो है ना पानी वगैरह की प्रॉब्लम जो है फेस हो रही है इन लोगों को, तो फटाफट से हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ना जो पानी वगैरह भी इनको पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने इनको सप्लाई दे दी है, और मेरे को आई थिंक पूरे में ही जो है ना सप्लाई वगैरह देनी पड़ेगी, तो फटाफट से इसको सप्लाई देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने ना पूरे में जो है पानी की सप्लाई तो दे दी है, और यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी मेरे को पहुँचानी पड़ेगी। एंड नाउ यहाँ पे है ना यार मैं सोच रहा हूँ फटाफट से ना पार्क बनाना स्टार्ट करते हैं। और इतने एरिया में ना मैं पहले एक काम करता हूँ यार, यहाँ पे ना मैं रेसिडेंशियल एरिया जो अलॉट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया की बहुत ज़्यादा नीड है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से ना रेजिडेंशियल एरिया अलॉट करता हूँ, और इधर भी आई थिंक इधर भी मैं फटाफट से ना रेजिडेंशियल एरिया बनाता हूँ, और जो है इधर की साइड हम कमर्शियल कमर्शियल एरिया बनाना था, इधर की साइड पे हम कमर्शियल एरिया बनाते हैं, ठीक है। तो इधर की साइड पे ना मैंने जो है कमर्शियल एरिया बना दिया है, नाउ इट्स ओके, अब ये ठीक लग रहा है, हाँ। तो अभी हमने एक साइड पे कमर्शियल एरिया बना दिया है, एक साइड पे हमने रेजिडेंशियल एरिया बना दिया है, नाउ अब हमारे को ना यहाँ पर बनाना है पार्क। तो पार्क हम जो सोच रहा हूँ ना मैं वो बनाएंगे हम इस साइड पे। तो फटाफट से यार हम ढूंढते हैं पार्क, हमारा कौन कौन से पार्क जो है हमारे पे अवेलेबल है। तो बच्चों के लिए देखते हैं कोई अच्छा सा पार्क हो तो, ओके। तो बोटैनिकल गार्डन है ये, तो इसको मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पे बीच बीच में बनाएंगे, बीच में बन सकता है यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। और इसके साइड साइड में पार्क्स वगैरह और पार्क्स वगैरह बना देंगे लाइक सही। और देखते हैं हम यहाँ पर और कौन कौन से पार्क हैं। यहाँ पर एक जैपनीज गार्डन है, तो जैपनीज गार्डन तो मैं नहीं लगाऊंगा अभी, रुको एक सेकेंड। मतलब एक जैसे पार्क ना इसकी साइड में लगाएंगे बिल्कुल बगल बगल में। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर लगाते हैं ये वाला पार्क, यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो एक पार्क इसको यहाँ पर लगाते हैं और ये वाला पार्क, ओके। तो गाइज हमारे तो पैसे ही ख़त्म हो गए हैं, आई थिंक अभी मेरे को थोड़े से पैसे अर्न करने पड़ेंगे तभी मैं यहाँ पर आ पाऊँगा। फिलहाल के लिए मैं जो यहाँ पर ना इसकी स्पीड वगैरह थोड़ी सी तेज़ करता हूँ गेम की, और लेट्स सी मेरे को अभी यहाँ पर जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना उनको फिक्स करता है फिलहाल के लिए। जैसे कि मेरे को यहाँ पर ना लाइक वाटर वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को,
तो फटाफट से वाटर वगैरह की प्रॉब्लम जो है लोगों की सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से? ओके, तो गाइस यहाँ से थोड़ा सा वाटर वगैरह की प्रॉब्लम तब तक सॉल्व करते हैं लोगों की, ठीक है। और यहाँ पर और किसी चीज़ की प्रॉब्लम है? ओके, तो यहाँ पर भी ना जो है वाटर वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, इसको भी हम धीरे धीरे करके ना यहाँ पर पूरा फिक्स कर देंगे। यहाँ पर भी मैंने वाटर की जो है प्रॉब्लम फिक्स कर दी है। नाउ यार गाइस देखो, लोग जो है ना अपना यहाँ पर घर वगैरह ना जो अपग्रेड कर रहे हैं यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को कि लोग आकर के यहाँ पर के अपग्रेड कर रहे हैं अपना घर। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यार मतलब लोग खुश हैं हमारी सिटी में आकर के ना। फिलहाल के लिए थोड़ा सा बारिश रुक जाए तो अच्छा हो, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा तेज़ ना यहाँ पे बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। तो फिलहाल के लिए हमारे पे थोड़े से पैसे और हो चुके हैं, लेट्स सी यहाँ पर एक और जो पार्क है हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, देखते हैं। यहाँ पे काश एक पार्क बन जाए यार हमारे इतने पैसे में। तो ये वाला पार्क मैंने वहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो एक पार्क और है ना वो बन चुका है, एंड नाउ अब हमारा ना यार ये इक्वल सा लगेगा, इसलिए मैंने सेम टाइप का ना पार्क इसके बगल बगल में बनाए हैं। और भाई यहाँ पे बारिश बहुत बुरी तरीके से हो रही है, मुझे डर लग रहा है कहीं हमारे यहाँ पर ना कोई फ्लड व्लड ना आ जाए, इसलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें अनलॉक हुई है। ओके, तो गाइस हमारे यहाँ पर ना एक ट्रांसपोर्ट का भी अनलॉक हो चुका है, लेकिन आई थिंक मैं अभी इसे लगा नहीं सकता हूँ क्या? ओके, तो मैं इसको भी लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, मेरे को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे जो इकट्ठे करने पड़ेंगे। और यार काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना हमारे यहाँ पर अब मरने लगे हैं, आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? आई थिंक हमारे पे मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी हो रही है क्या? लेट्स सी, हम अपनी मेडिकल फैसिलिटी देखते हैं। आई थिंक मेरे को लग रहा है मेडिकल से ओके लो हेल्थ। तो गाइज यहाँ पर जो है ना हमारे जो सिटीजन्स है काफ़ी ज़्यादा सिक हो रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पर जो है एक और मेडिकल लगाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ कहीं पर ओके, तो गाइज यहाँ पर मैंने एक मेडिकल जो है ना और लगा दिया है फिलहाल के लिए। एक मेडिकल हमारे पे था, मैंने एक मेडिकल जो है ना और लगा दिया है। आई थिंक अब थोड़ा सा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बिल्डिंग इज़ ऑन फायर, यहाँ पर मैंने यार फायर स्टेशन भी लगाया था, आई डोंट नो यहाँ पर फायर स्टेशन काम क्यों नहीं कर रहा है, मे भी धीरे धीरे काम करे। फिलहाल के लिए मैं देखता हूँ कि यहाँ पर और ज़्यादा जो है लोग प्रॉब्लम हो रही है कि लोगों या लोग और ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो मेरे को आई थिंक यहाँ पर ना एक मेडिकल जो है और लगाना पड़ेगा। लेट्स सी, हमारे पे थोड़े से पैसे हो जाएं तो उसके बाद हम एक मेडिकल और यहाँ पर लगाते हैं। तो अभी हमारे पे बस थोड़े से पैसे कम है फिलहाल के लिए, और चीज़ें देखते हैं यार और क्या क्या यहाँ पर जो है प्रॉब्लम चल रही है। और यार ये बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही है यार, ये बारिश रुक जाए ना तो थोड़ा सा ठीक हो जाए, बट ये बारिश रुक नहीं रही है एक्चुअली में। तो गाइज हमारे पे ना अभी थोड़े से यहाँ पे पैसे हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे ना एक मेडिकल और लगा सकते हैं। तो फटाफट से मैं एक मेडिकल ना यहाँ पर भी लगा देता हूँ, ताकि जो यहाँ पर लोग हैं ना यार थोड़ा सा सही से रह पाएँ। और यार यहाँ पे लोग मर क्यों रहे हैं आई डोंट नो, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं ना वो मर रहे हैं, और लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहे हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पर लोग ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहे हैं, बट मेरे पे अभी ट्रांसपोर्ट के जो है पैसे हैं नहीं, तो मेरे को यहाँ पे ना अपने लिए यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस गेम में क्या यार कुछ लोन वोन का चक्कर है या नहीं है? तो यहाँ पर हम आई थिंक कुछ लोन्स वगैरह ले सकते हैं। ओके, तो गाइज हम यहाँ पर लोन तो ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ ग्लोबल क्रेडिट ओके 60,000 का जो है हम लोन ले सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक लोन लेकर के हम यहाँ पर ना फटाफट से यहाँ पर एक बस डिपोर्ट का वो बनाते हैं, यहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट का जो है सिस्टम लगाते हैं, ताकि यार यहाँ पे जो लोग हैं ना वो थोड़ा सा यार यहाँ पर मतलब कम मतलब उनको मतलब ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना ट्रांसपोर्ट वाली वो थोड़ी सी इनकी सही हो जाए। तो मैं यहाँ पर जो है ना फिलहाल के लिए देखता हूँ कहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट बन सकता है। तो गाइस यहाँ पर जो है ना हम ट्रांसपोर्ट बना देते हैं फिलहाल के लिए, मैंने यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बना दिया है। नाउ अब मेरे को यहाँ पर और क्या क्या करना पड़ेगा? ओके, तो गाइस यहाँ पे मेरे को ना जो बस की लाइन है वो भी पूरी बिछानी पड़ेगी फिलहाल के लिए, यहाँ से मेरे को जो है लाइन जो यहाँ से बिछानी पड़ेगी फिलहाल के लिए। एक और काम करता हूँ मैं, यहाँ पर जो है वाटर की प्रॉब्लम भी होनी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा वाटर का इंक्रीज़ करते हैं। अभी मेरे पे थोड़े से पैसे जो कम है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं जो है काम कर रहा हूँ, मैं सारा एक साथ नहीं कर रहा हूँ। तो फटाफट से हम जो है लाइन्स वगैरह है ना वो बिछा देते हैं। और यार ये बारिश रुक ही नहीं रही है, पता नहीं भाई क्या करके मानेगी ये बारिश। तो फटाफट से पहले मैं लाइन्स वगैरह जो है ना यहाँ बिछा देता हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और ऐसे करके फिर हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से करके कुछ ऐसे ऐसे ओके यहाँ से, और उसके बाद नहीं यहाँ से आएंगे ओके, और फिर ऐसे करके यहाँ से आएंगे हम। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने पूरे में जो है ना अब यहाँ पर जो है बस की लाइन बिछा दी। और गाइस यहाँ देखो यार जो बस वगैरह ना यहाँ से जाने लगी है, और यार मैंने काफ़ी सारी जगह पे ना जो है बस की लाइन आई थिंक लगा दी है।
आई थिंक मुझे लग रहा है पूरे में जो है ना बस की लाइन प्रॉपर तरीके से पढ़ चुकी है। लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं हम, और कहीं पे हमारे को लगाने की जरूरत तो नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि मेरे को ना यहाँ पे आप कहीं पर जो है बस की लाइन लगानी है। मैंने ऑलमोस्ट हर जगह पे ना जो है बस की लाइन ऑलरेडी लगा दी है फिलहाल के लिए। अभी मेरे पे और कुछ भी जो है चीज़ें मेरे को करनी है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर देखो जो गार्बेज का जो हमने वो लगाया था वो आई थिंक भरने लगा है, तो फटाफट से एक काम करते हैं यहाँ पर ना एक और जो है गार्बेज के लिए हम यहाँ पे कुछ लगा देते हैं। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना गार्बेज लोग कर रहे हैं, सीरियसली यार लोगों को कम गार्बेज करना चाहिए। कोई बात नहीं, यहाँ से ना एक थोड़ा सा हम यहाँ पे से एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन पे ना हम यहाँ पर सिर्फ गार्बेज वगैरह ही रखेंगे, क्योंकि इसको ना यार मैं कम्प्लीटली अलग रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे सिर्फ यार गार्बेज गार्बेज हो, तो फटाफट से यहाँ पे गार्बेज का वो लगाते हैं। और गाइज यहाँ पर ना मैं आई थिंक लाइन लगाना भूल गया, तो यहाँ पर भी मेरे को लाइन लगानी है। वो तो एक्चुअली अब जितना एरिया बनता जाएगा ना तो मेरे को उस हिसाब से यहाँ पर इसको धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं जो यहाँ पर साइकिल वो लगाता हूँ, यहाँ पर गार्बेज का वो लगा देता हूँ। आई थिंक गार्बेज का कहाँ से था, ये वाला गार्बेज का था ना, तो फटाफट से ना एक गार्बेज का यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर भी मैंने एक गार्बेज का और लगा दिया है, ताकि जो है लोगों को यहाँ पर गार्बेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना वो ना हो। तो गाइस आई थिंक हाँ, तो गाइस जो यहाँ पे लोगों का गार्बेज का प्रॉब्लम था ना वो सॉल्व हो चुका है ना। यार अभी थोड़ा सा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रॉब्लम हो रहा है, तो फटाफट से इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम भी अपना आप ही सॉल्व हो गया, मैंने कुछ करा नहीं, अपना आप ही जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। आई थिंक कुछ लोग छोड़ के चले गए और कुछ लोग हैं तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। एंड यहाँ पर मैंने यार एक फायर स्टेशन लगाया था, आई डोंट नो उससे क्या प्रॉब्लम हुई है, ये पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑपरेटिंग नॉर्मली कर तो रहा है यार, लेकिन यहाँ पर फिर ये क्या चीज़ हो रही है। ओके, तो फिलहाल के लिए मेरे को ना आई थिंक यहाँ पर एक और जो है फायर स्टेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एनफ नहीं है खाली लाइक सब जगह के जो लाइक वो है ना उसको सही करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ एक फायर स्टेशन ना हम यहाँ पर भी लगा देते हैं। ओके, तो गाइस एक फायर स्टेशन ना मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है, तो नाउ अब जो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं यहाँ पे फायर स्टेशन से रिलेटेड। एंड फिलहाल के लिए और चीज़ें भी देखते हैं, रुको। तो और चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही है, जैसे कि इसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही थी आई थिंक है ना, तो अभी मेरे को यार कुछ इलेक्ट्रिसिटी के लिए ना यहाँ पर कुछ और भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर मेरे को एक लाइन भी जोड़नी पड़ेगी बस के लिए ना। तो फटाफट से एक काम करता हूँ, मैं पहले यहाँ पर ना लाइन जोड़ देता हूँ। यार लाइन तो जुड़ी हुई है, बट वाई यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, फिर यहाँ पर दिक्कत क्यों हो रही है। ऑलरेडी चल तो रही है बसेस, सारी बसेस चल रही है यार, देखो पूरे में बसेस जो है हमारी चल रही है, बस आई थिंक यहाँ पर नहीं चल रही है। तो फटाफट से यहाँ से जो है हम, तो गाइस इस साइड पे भी ना मैंने पूरी की पूरी जो है लाइन वगैरह लगा दी है। और गाइस देखो यार कितनी जल्दी ना यहाँ पर लोग वगैरह आते जा रहे हैं, कितनी ज़्यादा बड़ी जो है ना हमारी यहाँ पर सोसाइटी होती जा रही है। और भाई ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा जो इसने यहाँ पर ये बनाया है, आई थिंक ये कोई मेरे को बड़ी सी शॉप लग रही है, कुछ मॉल टाइप का लग रहा है। आई थिंक यहाँ पे कोई मॉल वगैरह किसी ने खोला है। फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ पर ना यार स्कूल वगैरह भी बनाना था, मैं भूल चुका हूँ कि मैंने स्कूल भी बनाना था। तो फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है ना हम हाई स्कूल बनाते हैं। हाई स्कूल मेरे पे आई थिंक अनलॉक हो चुका है, तो फटाफट से जाते हैं और देखते हैं यार यहाँ पर हमारा हाई स्कूल वगैरह का कुछ था ना, तो यहाँ पर था। तो गाइस यहाँ पे हमने हाई स्कूल तो बना दिया है, नाउ अभी हमारे को और कुछ बनाना है। ये क्या चीज़ है, ये लाइब्रेरी है क्या, लेट्स सी, ये पब्लिक लाइब्रेरी है। हाँ ये पब्लिक लाइब्रेरी है, तो इसको हम कहीं और पे बना देंगे। पब्लिक लाइब्रेरी तो यार कहीं पर भी चलेगी फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यार यहाँ पे अभी के लिए ना हमारे पे जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं देखता हूँ यार इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ हमारे पे है क्या अभी। ओके, तो गाइज अब हमारे पे ना एक चीज़ और अनलॉक हो चुकी है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एडवांस विंड टर्बाइन। तो फटाफट से ना यार एक एडवांस विंड टर्बाइन ना यहाँ पर लगा देते हैं। इसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कहाँ पे लगाऊँ मैं, यार यहाँ पे कहीं पे लग जाएगा, यहाँ पर लगाते हैं एक एडवांस विंड टर्बाइन। तो गाइज एक विंड टर्बाइन ना मैंने यहाँ पर लगा दिया फिलहाल के लिए। ओ भाई साहब इस टर्बाइन को देखो यार, ये वाली बहुत मस्त लग रही है, और ये सोलर पैनल से चल रही है प्रॉपर। तो गाइज अभी हमारी जो फिलहाल के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। और यार यहाँ पे ना पूरा का पूरा ये चीज़ बर्न हो चुकी है, फटाफट से एक काम करते हैं यहाँ पे चलाते हैं इसको, ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि। और यहाँ पे देखो भी, अरे अभी तो मैंने लगाया इलेक्ट्रिसिटी का, अभी फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होने लगा है। यार ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे आई थिंक कुछ देखना पड़ेगा यार ऐसा हो क्यों रहा है मेरे को। आई थिंक और ज़्यादा ना यहाँ पर जो है विंडमिल पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे, तो फटाफट से और ज़्यादा ना हम यहाँ पे विंडमिल पावर प्लांट लगाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ विंडमिल पावर प्लांट ना यहाँ पे लाइन में लगा देंगे हम कोने कोने पे, तो फटाफट से देखता हूँ मैं। और हमारे पे पैसे कम तो नहीं है ना यार, और गाइस हमारे पे ना बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं इस विंडमिल पावर प्लांट को बनाने में। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए यहाँ पर एक पावर प्लांट और बनाते हैं। तो गाइस मैंने एक पावर प्लांट ना और बना दिया, और इसको ना यार मेरे को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मूव करते हैं और इसको थोड़ा सा इसके साथ साथ में लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको बिल्कुल इसके साथ साथ में लगा दिया, अबे लग जा। तो गाइस इसको मैंने बिल्कुल साथ साथ में लगा दिया, ऐसे ऐसे करके ना हम साइड साइड में जो है ना विंडमिल पावर प्लांट लगा देंगे, और ये अच्छे भी लगेंगे साइड में ना।
इसलिए मैंने इसको साइड में लगा दिया है। नाउ अब हमारे को इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है भाई? अब मत बोलना प्लीज़ यार, मैंने काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा किया है तुम लोगों के लिए। और यहाँ पर अभी के लिए और क्या इशू हो रहा है अभी देखता हूँ यार। मेरे को आई थिंक लग रहा है अभी भी ना हमारे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ओके, तो गाइस जो प्रोडक्शन है ना वो 81 का हो रहा है और कंजप्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे को आई थिंक यहाँ पर ना एक और कोल पावर प्लांट लगाना ही पड़ेगा। अब मेरे को नहीं लगता इसके बिना काम चलेगा। तो यहाँ पे गाइज मैंने एक कोल पावर प्लांट और लगा दिया है। नाउ आई थिंक अब जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पर ना, हाँ तो गाइज अब जो है ना हम 121 मेगावाट जो है प्रोडक्शन जो है हमारा हो रहा है और कंजप्शन 85 का हो रहा है। तो अब ठीक है, अब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम तक ठीक रहेगा। और भाई साहब यहाँ देखो यार कितनी ज़्यादा बस है ना जो यहाँ पर लाइक, अबे यहाँ पे क्यों बस खड़ी हो रही है? और यहाँ पे बसें भी बहुत ज़्यादा खड़ी हो रही है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। और फिलहाल के लिए हम यहाँ पे थोड़ा मेडिकल फैसिलिटी का भी देख लेते हैं, मेडिकल फैसिलिटी हमारी कैसी चल रही है। तो मेडिकल फैसिलिटी हमारी ठीक चल रही है अभी के लिए। 84 सिटीजन्स है 6 और 300 की कैपेसिटी हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो अभी के लिए ये ठीक है। और यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट का भी देख लेते हैं। ओके, तो डिटेन्स यार यहाँ पे मेरे को एक जो है ना पुलिस स्टेशन और बनाना पड़ेगा आई थिंक, मुझे लग रहा है। तो फटाफट से यहाँ पर आसपास में ना कहीं पर एक पुलिस स्टेशन और बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बना दिया पुलिस स्टेशन और, ताकि जो है कैपेसिटी ठीक रहे यहाँ पर। और मेरे को यार अभी यहाँ पर ना और जो है पार्क्स वगैरह बनाने थे, बच्चों के लिए झूले वगैरह बनाने थे। तो फटाफट से यहाँ पर जो है एक बच्चों के लिए झूला यहाँ पर बनाते हैं। और अभी मेरे पे थोड़े से पैसों की कमी हो चुकी है, तो अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सबको रिकवर करने में। तो जैसे ही रिकवर हो जाएंगे ना, उसके बाद यहाँ पर हम और चीज़ें भी करेंगे। और भाई साहब मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पर हमारी 2848 की जो है ना पॉपुलेशन हो चुकी है यार, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे इसमें हो चुकी है। वाओ यार अमेजिंग। तो गाइस हमारी सिटी ना धीरे धीरे करते कितनी बड़ी होती जा रही है। गाइस देखो यार इतना एरिया कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, अमेजिंग यार। और कितनी प्यारी लग रही है यार हमारी सिटी। तो फटाफट से ना गाइस एक सिनेमेटिक व्यू लेते हैं इसका, देखते हैं क्या क्या हमारी सिटी में चल रहा है। तो देखते हैं गाइस। फिलहाल के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी है, हमने यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क वगैरह बना दिया है, यहाँ पे हमने हाई स्कूल बना दिया है, हमने यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी और ज़्यादा कर दी, हमने यहाँ पे इनके लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह लगा दिया। तो गाइस हमने इस गेम में ना काफ़ी कुछ कर दिया है। और फिलहाल के लिए गाइस आप ये देखो यार कितना प्यारा लग रहा है यार ये, लेट्स सी इसको थोड़ा सा कपास से देखते हैं हम इसमें यार। क्या थर्ड पर्सन नहीं देख सकते क्या? जेट सी यार मैं इसको कैमरे से नहीं देख सकता आई थिंक, किसी को सिलेक्ट करके नहीं, अभी के लिए नहीं देख सकते हैं। तो गाइस ऐसा सा कुछ हमने यहाँ पर यार ये झूला वगैरह भी लगा दिया है। वाओ यार यहाँ पे बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। धीरे धीरे करके हम अपनी जो है सिटी को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए एपिसोड के साथ। ओके गाइज बाय।